જાફરાબાદ તાલુકાના અતિ અસરગ્રસ્ત એવા મીઠાપુર અને નાગેશ્રી ઇસ્લામી રિલીફ કમિટી ગુજરાત દ્વારા રાશન કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. જાફરાબાદના વાવાઝોડાએ તારાજી સર્જી માણસને બેકાર અને લાચાર બનાવી દીધા ત્યારે ઇસ્લામ રિફિલ કમિટી ગુજરાત તથા જૂનાગઢ માંગરોળના સભ્યોએ લોકો માટે રાશન કીટની સહાય, મહિલાઓ માટે રોકડ સહાય, છતના પતરા જેવી સામગ્રી આપવા માટે ઘર ઘેર જઈને જરૂર જણાય ત્યાં સહાય આપી આ કપરા સમયમાંથી માણસને બહાર કાઢવા મહેનત કરવામાં આવી રહી છે. ઇસ્લામ રિલીફ કમિટી ગુજરાતના સભ્યો અમદાવાદથી દરિયાઈ પટ્ટી વિસ્તારમાં કે જ્યાં વાવાઝોડાથી સંપૂર્ણ નાશ થયું છે તેવા વિસ્તારોમાં સહાયરૂપે વસ્તુ આપવામાં આવી હતી. पिछले दिनों 18 मई को गुजरात में एक साइक्लोन ने बड़ी जिंदगियों को परेशान किया. जहां खेतों को बड़ा नुकसान हुआ, वहीं बहुत से घर तबाह हुए, आम जिंदगी एक थम सी गई. ऐसे सिचुएशन में सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर SBF ने अपने महाज को संभाला. हमारे वॉलंटियर्स ने अगले ही दिन से यहां के तकरीबन 20 गांवों का दौरा किया, वहां सर्वे किया. सर्वे करने के बाद पाया कि मवेशियों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, वहीं खेतों को नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है, और आवाजाही बंद होने की वजह से लोगों को जो उनके नेसेसरी चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल रही हैं. राशन्स वगैरह भी उनके घरों को नहीं पहुंच रहे हैं. ऐसे में सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर ने एक प्रोजेक्ट लिया कि यहाँ के आवाम में हम जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको हम राशन पहुँचाएँगे, और जिनके भी घरों को नुकसान हुआ है उनको रिपेयर करेंगे. बड़ा एक प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पतरे उड़ गए थे लोगों के, तो यहाँ सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर ने 200 लोग घरों को सिलेक्ट किया है. वहाँ वो पतरों के ज़रिए से लोगों के घर को रिपेयर कर रही हैं. वहीं 500 फैमिलीज़ को राशन पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं. हमारे वॉलंटियर्स मुस्तकिल 19 मई से यहाँ लगे हुए हैं. आगे भी जैसे भी सिचुएशन जहाँ जहाँ गाँव में हमें लगेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं पहुंची है और भी लोग नहीं पहुंचे हैं वहां मदद के लिए, तो हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे वक्त में जब जिंदगियां परेशान हैं हम लोगों की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए. अपने जो हमारा हमारी NGO है वो डिजास्टर पे ही काम करती है. डिजास्टर के हवाले से ही हमारा काम है. हम हिंदुस्तान के 14 स्टेट में काम कर रहे हैं. हमारे NGO के तकरीबन 2000 के करीब वॉलंटियर्स हैं जो डिजास्टर में इमरजेंसी रिलीफ पे काम करते हैं, रेस्क्यू का काम करते हैं, और फिर उसके बाद रेस्क्यू के बाद रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का वादाबादकारी का हमारा काम होता है. इसी तरह से जब भी इस तरह के हालात आएंगे सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर लोगों की खिदमत के लिए हमेशा आगे आएगी.